उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राज्य सरकार ने SOP जारी किया है। इसके तहत ही दून अस्पताल ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय ढोबाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड आधारित किए गए हैं। अभी तक एक मरीज डेंगू का है जिससे पहले समय से इलाज चल रहा है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 4 मरीज चिकनगुनिया के हैं जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। साथ ही सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है। जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में, और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है, वो भी पुराना, वो एलाइजा कन्फर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है, और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे यहाँ अस्पताल में किया जा रहा है। चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का ये सारा हमने व्यवस्था